हम लोग बहुत पहले से कहा करते थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। अब तो ये नारा हर युवक युवती की जवान पर पहुंच गया है। भाजपाइयों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, ये बहुत नारा चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपाई जहां जाते थे ये कहते थे भाजपाइयों ने ये कहा था और नारे लगा करके कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, ये तो नहीं कहा था कि डकारेंगे नहीं। परिवार वाले सोचें कि वो आज महंगाई का सामना कर रहे हैं, उसका कारण भी भाजपा के द्वारा लाए गए यही इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्योंकि इससे कंपनियों पर दबाव पड़ता है और वो दाम बढ़ाने पर मजबूर होते हैं, और इसी बहाने कुछ लालची व्यापारी कारोबारी मुनाफाखोरी में लग जाते हैं। जनता की जेब ढीली हो रही है और भाजपा के खजाने भर रहे हैं। जनता इन्हें हराकर अपना खामियाजा खुद वसूल लेगी। भाजपा के द्वारा लाए गए यही इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का कारण भी है। जीएसटी में टैक्स की चोरी करने के लिए जो व्यापारी और अधिकारी मजबूर हैं, वो भी भाजपाइयों की वसूली के शिकार हैं। भाजपाई नेता लोग कहते हैं, भाजपाई नेता लोग कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो पार्टी खाते में चला जाता है, तो फिर हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? इसलिए वो कारोबारियों और दुकानदारों और ठेकेदारों से सबसे अलग की वसूलते हैं, उनसे भी वसूलते हैं। इन सब कारणों से उत्पादों में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गिरती है और निर्माण कार्य व दूसरे ठेकों की गुणवत्ता भी। कुल मिलाकर भाजपा के द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में यही कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी महंगाई और भ्रष्टाचार की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जनता के शोषण की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड युवाओं के भविष्य को मारने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड आम जनता के दुख दर्द और दमन की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90% जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावों को अत्यधिक महंगा बनाकर ईमानदार राजनीतिकों को चुनाव में हिस्सा न ले पाने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों के माध्यम से साजिश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड समाचार तंत्र और लालची मीडिया को ग्लैमर से जोड़कर महंगा बनाकर झूठी खबरें फैलाने व भाजपा की अपनी नकारात्मक संकीर्ण विभाजनकारी विचारधारा को प्रचारित करने के देश के माहौल में आपसी डर और अविश्वास का जहर घोलने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने वाले दल बदल के लिए पैसे जुटाने और राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व भर में भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशनल बनाकर के प्लैंड वे में पैसा इकट्ठा करने की नई साजिश और चाल के रूप में स्थापित करके दुनिया भर में देश की ईमानदार और लोकतांत्रिक छवि खराब करने की भाजपा ही गारंटी है। कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड देश और देशवासियों की बर्बाद की भाजपा ही गारंटी है। सीए नोटिफिकेशन के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है। कंपनी ने 405 करोड़ चंदा दिया। ये बहुत सारी जानकारी अब आ रही है। देखिए मैं क्या कहता था आपसे, याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने? जब वैक्सीन वाली बात आई थी, अब सुना है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं,
वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, कितने करोड़ की है वो? 505 करोड़। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब मरने लग गई। सर पाकिस्तान से भी फंड लिए, ये बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि जो बात सोशल मीडिया पे आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मीडिया के साथी हैं, इन पे भी बड़ा बड़ा पैकेज पहुंचा है, इन्हें भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बहाने बहुत बड़ा पैकेज मिला है। और कई मौकों पर कहा, एक चैनल है ये सुबह उठता है तो हमारे खिलाफ ही चलाता है। अभी तक सबसे नेगेटिव न्यूज इस चैनल ने चलाई है, ये चैनल हमारे सामने। नाम ले लिया, ये न्यूज 18 को पता नहीं क्या बुखार है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड कम मिले हैं क्या आपको, या आपको चंदा कम मिला है? ये मैंने सुना है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि सबसे ज्यादा खिलाफ कोई खबर चलाता है तो सबसे ज्यादा हमारा ये मित्र चैनल, इसलिए बहुत सारी जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पीछे पड़ करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे, और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। सर ईवीएम पे मुसलसल आवाजें उठा रहे हैं, यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ वो छप में गया था गुजरात, वहां से लीक हुआ है। अब ये तो नहीं पता है कहाँ से लीक हुआ है, लेकिन लीक हुआ है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कितना बड़ा घोटाला है, मैंने क्या कहा, महा घोटाले का सुप्रीमो है ये। अब देखते हैं कि आप लोग कितना इसमें जनता तक बात पहुंचाते हैं। तो आप जेम्स बॉन्ड बनिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के लिए, क्यों इस टॉपिक को इधर उधर ले जा रहे हो आप? नहीं, ये जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे आप। क्या चीज, एक मीडिया कंपनी ने भी इलेक्शन बॉन्ड खरीदा है, वो इसलिए कि आप लोगों में बांट सके। अगली जी आज कल गायत्री प्रजापति के यहाँ आयकर विभाग पहुंचा था, इस पर क्या? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि विपक्ष को अपमानित करने के लिए, उनको डराने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल होता आया है, और कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र है, जितने भी नेता पार्टी छोड़ के गए या और जगह प्रदेश हैं, वहां पर जिन जिन के खिलाफ एजेंसियां काम कर रही थी, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एजेंसियों ने उनको परेशान करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना रोक दिया। सर दावतों में दूसरे विपक्ष के दावतों को बुलाते हैं, उसके बाद थाने की जगह फाइल दिखा देते हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अगली जी जयराम रमेश जी का बयान आया है कि बीजेपी जो है परिवारवाद के खिलाफ आप पर सवाल करती है, वही 20 में से 9 टिकट बारात में परिवार के लोगों को दिया है, वो कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व जो है कभी किसी परिवार का नहीं रहा, बीजेपी ऐसा कह रही है। और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे आप क्या राय देना चाहते हैं?
नहीं नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपको पूछनी हो तो पूछिए। पूछ रहे हैं सर, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बीच में, हंगामे के बीच में इसका बवाल हुआ, उसके बीच में इलेक्शन की डेट आई, ये क्या कहेंगे? हेडलाइन मैनेजमेंट। हाँ, ये बीजेपी के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड की शॉकिंग न्यूज है। इस शॉकिंग न्यूज को ये किसी भी ब्रेकिंग न्यूज से दबा नहीं सकते। वो तो जानबूझ करके, जिस दिन रमजान शुरू हो रहे थे, हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत की पहचान है, मिली जुली संस्कृति, आपस में जो हम एक दूसरे को गंगा जमुनी संस्कृति के बहाने सहारे जोड़ते हैं, जानबूझ करके उन्होंने उसी दिन तय किया चिढ़ाने के लिए। कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। कब? कई दिनों से हाउस अरेस्ट। ये केवल वोट के लिए, केवल ये वोट के लिए, कैसे माहौल खराब हो, कैसे नफरत फैले, कैसे खाई पैदा हो, उससे कैसे पॉलिटिकल लाभ लिया जाए वोट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का है। ये तो आपको सोचना चाहिए कितने हजार करोड़ का है, और तब है जब सरकार में लोग वसूली कर रहे हैं। चंदा लेना इलेक्शन कमीशन का एक अपना तरीका है, जो गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, लेकिन वसूली के लिए गाइडलाइन थोड़ी है। वसूली तो एजेंसियां हैं। तो बीजेपी के लोग जो अपने आप को दावा करते थे, एक मंत्री का कहने पर क्या ये सच्चाई सामने नहीं आ गई? डीएम फिरोजाबाद को हटाया गया और उसके साथ बदस्ता के साथ बात की गई, तुरंत रात के 2:30 बजे ट्रांसफर। किसका? उज्जवल कुमार का, एक बीजेपी के मंत्री का। ये आज बात मत करो, फिर कर लेना कभी बात। ठीक है मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की बात करने वाले लोग से, पाकिस्तान से भी फंडिंग आई है सर। अभी तो और जानकारी मिलेगी, कहाँ कहाँ से घूम के आई है। सर पाकिस्तान से फंडिंग आई है। कोई नया गाना आया हो तो प्रेस को सुना दो।